हाई फ्रेंड्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं फिर से एक नए लोकेशन में आ गई हूँ। बेसिकली आज मैं कवर करने के लिए आई हूँ 3BHK। इट्स अ रीसेल प्रॉपर्टी, बट जब आप लोकेशन सुनेंगे और जब आप जगह देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, फ्लैट देखेंगे, यू विल जस्ट लूज योर माइंड। सो जस्ट होल्ड योर हार्ट बीट। पूरा लोकेशन दिखाऊंगी और फ्लैट भी आपको पूरा टूर कराऊंगी। सो बेसिकली आज हमें हेल्प कर रहे हैं अभिजीत दा, ठीक है। आज यही हमको पूरे लोकेशन, फ्लैट के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। सो जस्ट होल्ड योर हार्ट्स, ओके। सो अभिजीत भैया, सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि लोकेशन क्या है। लोकेशन हम लोग खड़े हैं अभी आपका विक्रमगढ़ मोड, सबको पता है सब्सिडी मोड। नेक्स्ट स्टॉप है आपका लॉर्ड्स मोड। लॉर्ड्स मोड का जस्ट पहला सिग्नल पे हम लोग खड़े हैं। अच्छा, तो साउथ सिटी मॉल के जस्ट बाजू में हम लोग खड़े हैं, जिसको विक्रमगढ़ मोड़ बोलते हैं, राइट। सो आपने सुन लिया है, लोकेशन मैंने बता दिया, एकदम मेन रोड पे। और जो इस फ्लैट की मैं बात कर रही हूँ, उस फ्लैट की सबसे हाईलाइटेड पॉइंट ये है, आपका जो फ्लैट का फेसिंग है वो रोड साइड है। सो मतलब आपको वहाँ से मॉल दिखेगा। सो एकदम ही चौरा है वहाँ पे, तो चौराहे पे ही वो फ्लैट है। सो फ्लैट बेसिकली कौन से फ्लोर में है? फर्स्ट फ्लोर। वाओ, सो यू नो बोनस पॉइंट की फर्स्ट फ्लोर पे है वो फ्लैट, ओके। सो और एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि लाइक अगर मैं मतलब बस, ट्रेन, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कैसा है? फ्लैट में हम लोग जब जाएंगे तो बैल्कनी से दिखेगा टैक्सी, ऑटो स्टैंड, सब मतलब गेट पे ही मिलेगा, आपको कहीं पर जाना नहीं होगा। अच्छा, सो बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं साउथ सिटी मॉल, सो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन आपको भर भर के मिलेगा, चाहे ऑटो हो, बस हो, सो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दूसरा चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन में, जैसा कि हो गया मेट्रो, ट्रेन और रेलवे स्टेशन की क्या फैसिलिटी है यहाँ पे? जैसे गेट से आपको ऑटो मिल जाएगा टालीगंज का, टालीगंज जाने में आपको 6 मिनट लगेगा, ठीक है। पैरेलली जादूपुर जाने के लिए आपको 8 मिनट लगेगा। लेक गार्डन से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस में लोकल ट्रेन और टालीगंज मेट्रो भी 6 मिनट। ओके, सो जैसा कि आपने जाना कि टॉलीगंज यहाँ से सिर्फ 6 मिनट के रास्ते पे है। सो मैं फिलहाल आपको ये लोकेशन और ये ना ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगी। डेफिनेटली आप लोग को शौक लगेगा। सो शौक लगा, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बता दीजिए, अगर जैसे रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन दोनों वहाँ पे है, और एयरपोर्ट वगैरह आसपास कोई नियर बाय? नियर बाय तो एयरपोर्ट तो हम लोग कोलकाता में एक ही है, तो जाने में आपको मोटा मोटी 45 to 50 मिनट्स लगेगा बाईपास पकड़ने। बाईपास पकड़ने के लिए आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट मतलब ड्राइव करना होगा। अगर आपको एयरपोर्ट का बस चाहिए तो लॉर्ड्स मोड से मिल जाएगा, सेक्टर 5 एयरपोर्ट सब बस इधर से ही मिलेगा। अच्छा, ठीक है। सो अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिए, बस वगैरह प्रॉपरली मिलेगी मुझे? मतलब अगर जैसे कि मैं बहुत पैसे वाली नहीं हूँ और मुझे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं जस्ट आपका क्या बोलूँ, 600 मीटर डिस्टेंस पे 2 बस स्टैंड, एक 234 और एक है आपका गोल्फिन हावड़ा। वाह, जो लोग स्पैंड जाएगा, हावड़ा स्टेशन जाएगा, वो बस पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाह, सो आपको बस की फैसिलिटी भी मिलेगी। जैसे ये प्राइम लोकेशन, इट्स रियली प्राइम लोकेशन। सो यहाँ पे आपको टैक्सी, बस सब कुछ मिल जाएगा आपके घर के सामने से, आपके फ्लैट से आपको दिखेगा कि आपको उस पर जाना है कि नहीं, आपको वो टैक्सी ड्राइवर पसंद आया कि नहीं। सो जस्ट किडिंग, ओके। सो फाइन, ये हो गया लोकेशन के बारे में। अब मुझे ये जानना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लोकेशन में कि बारिश वगैरह होती है तो पानी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है यहाँ पर? ड्रेनेज यहाँ पे तो मतलब साउथ कलकत्ता का सबसे पुराना लोकेशन यही है, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज प्रॉपरली है, प्रॉपरली। तो वाटर लॉगिंग तो कोलकाता में नहीं होता है, कोई नहीं बोल सकता, होता है मतलब चला जाता है। ओके, जस्ट बिल्डिंग के सामने ही ड्रेनेज लाइन है अंडरग्राउंड, सो वहाँ से पानी चला जाएगा, आपको प्रॉब्लम ही नहीं हो। अब अभिजीत भैया, और एक चीज़ बता दीजिए, मार्केट कैसा क्या है? अगर मतलब मुझे मॉल पे नहीं खरीदना, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे सस्ते में सब्जी भाजी खरीदनी है, तो मैं क्या करूँ? है तो जब भी आपका रोड का टूर मिलेगा आपको, आप मतलब खुद से ही देख सकते हो, बैल्कनी से आपको दिखेगा लोकल मार्केट। तो मतलब मुझे खिड़की से ही मेरे को लोकल मार्केट दिख जाएगा जहाँ पे मैं सब्जी भाजी खरीद सकती हूँ। गुड। अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिए मुझे, अब जो दूसरा कंसर्न पॉइंट रहता है कि स्कूल कॉलेजेस कैसे हैं? बैक टू बैक आपको 6 से 7 स्कूल मिल जाएगा, 2-3 दिन। यूनिवर्सिटी, जादूपुर यूनिवर्सिटी फ्लैट से आपका 6 मिनट का डिस्टेंस, साउथ सिटी स्कूल है, एके घोष है, टालीगंज है, तो यहाँ पे स्कूल कॉलेज लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, गुड। ओके, सो एक और चीज़ बता दीजिए मुझे अभिजीत भैया, अगर मैंने अभी कभी अपने ना वुड बी हस्बैंड को मार पीट दिया, तो उसको हॉस्पिटल कहाँ लेके जाऊँगी मैं? हॉस्पिटल ज़्यादा दूर जाना नहीं होगा आपका, 7-8 मिनट डिस्टेंस पे बांगुड़ हॉस्पिटल है, 7-8 मिनट डिस्टेंस पे आपका KPC भी है, ठीक है, आयरिश हॉस्पिटल है, और बाईपास यहाँ से लगभग 15 मिनट लगता है,
बाईपास एक्सेस करने से आपको चार पांच अच्छा अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा, फोर्टिज हुआ, रूबी हुआ, पीएलएस हुआ, सब नज़दीकी। वाह, सो मतलब मैं अपने पति को रैंडमली पीट सकती हूँ, इसका मतलब यही होता है। सबसे बड़ा बात ये है कि बिल्डिंग के नीचे दो आपका सर्जरी शॉप और मेडिसिन शॉप। ओके, गुड गुड। सो मतलब अभिजीत भैया मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से धुलाई करूँ। अच्छा, एक और चीज बता दीजिए अभिजीत भैया, ये एटीएम वगैरह, बैंक वगैरह की क्या फैसिलिटी है? 5 से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में सब बैंक एटीएम मिल जाएगा। ओह वाह, वैसे भी आप साउथ सिटी यू नो मॉल पे आते हैं तो आप लोग को पता है कि यू नो एटीएम वगैरह, बैंक वगैरह, लोकेशन इज प्राइम। मैं अभी आपको फ्लैट से दिखा दूंगी कि आपके फ्लैट से आपको साउथ सिटी मॉल दिख रहा है। अच्छा अभिजीत भैया, जैसे कि आपने मुझे बताया ये रीसेल फ्लैट है, तो इसकी बिल्डिंग की एज कितनी है, फ्लैट की एज कितनी है? लगभग 12 साल। अच्छा, लगभग 12 साल। और पार्किंग वगैरह है? पार्किंग ओपन कार पार्क है, वो है 125 स्क्वायर फीट के आसपास, तो इंडिपेंडेंट पार्किंग, मतलब आगे पीछे करने का कोई जरूरत नहीं, आपका गाड़ी आपको चाहिए आप निकाल। अच्छा, सो जो फ्लैट है उसके साथ पार्किंग इंक्लूड है? इंक्लूड। ओके फाइन, सो मतलब आपके पास फोर व्हीलर है तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मे बी इट्स 12 ईयर ओल्ड, बट ओनर हैज इट्स ओन पार्किंग एरिया, सो आपको उसके साथ ही इंक्लूड में मिल जाएगा, और टू व्हीलर के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और रही बात, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की क्या है? सीएससी। और पावर बैकअप है? पावर बैकअप भी है। बिल्डिंग में क्या क्या एमिनिटीज है? एमिनिटीज आपका 2 लिफ्ट है, 2 स्टेयर है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है 24 घंटा शिफ्टिंग में, और परमानेंट एक मैनेजर भी है जो ख्याल रखता है इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग का, सब का वो करते हैं, और पूरा बिल्डिंग आपका सीसीटीवी कैमरा कवर किया हुआ है। वाओ गुड। अच्छा, और मेंटेनेंस चार्ज कितना पड़ेगा मुझे? मेंटेनेंस अप्रॉक्स 1400 to 1600। अच्छा, मतलब ये फिक्स है, पर स्क्वायर फीट के भी नहीं है, 1400 to 1600 मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अभिजीत भैया मुझे एक और चीज़ बता दीजिए, जो फ्लैट है इसका फेसिंग क्या है, कौन से फेस में ये फ्लैट बना है? फेस प्रॉपर फेसिंग आप ईस्ट बोल सकते हो, ईस्ट के अलावा आपको नॉर्थ वेस्ट भी मिल जाएगा। वाह, सो मतलब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ तीन साइड में है, लेकिन आपका जो मेन फेस है वो ईस्ट साइड है। अभिजीत भैया मुझे बता दीजिए ये कितने फ्लोर की बिल्डिंग है? ये टोटल आपका G+6 का बिल्डिंग है, 5 फ्लोर में 3 फ्लैट, मतलब आपका टोटल 18 फ्लैट। अच्छा, टोटल 18 फ्लैट्स है, 18 फैमिलीज है। अभिजीत भैया मुझे एक और चीज़ बता दीजिए, ये फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है, कैसा है? ये सेमी फर्निश्ड आप बोल सकते हैं, तो इसका जो भी फर्नीचर है तो सेलर तो यहाँ पे रहता नहीं, बॉम्बे में रहता है, आप लोग को अगर पसंद हो तो आप रख सकते हैं, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर नहीं चाहिए होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मतलब भंगाड़ी को भेज देगा। अच्छा, तो कबाड़ी वाले को भेज देंगे। और सुपर बिल्ड एरिया कितना है फ्लैट का? 1265 में 3 BHK। ओके फाइन, गुड, फेयर एनाफ। सो चलिए अभी मैं आपको इस यू नो बिल्डिंग का लोकेशन दिखा देती हूँ, बिल्डिंग की क्वालिटी दिखा देती हूँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बिल्डिंग है मेरे पीछे और जस्ट मेरे सामने ही भारत भवन है, ठीक है? सो मैं ये भी दोनों आपको दिखा देती हूँ। ओके सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं कवर करने के लिए आई हूँ सिद्धार्थ गोल्फ व्यू को। ये बेसिकली आपके इस G+6 बिल्डिंग का नाम है। सो इस बिल्डिंग का नाम बेसिकली आपका सिद्धार्थ गोल्फ व्यू है, ये आपका एंट्रेंस है, ठीक है, और ये इस बिल्डिंग का नंबर है। सो आपको आजू बाजू का लोकेशन दिखा दूँ, बहुत प्राइम लोकेशन है। सो ये यू नो ये जो रोड है या ये लोकेशन जो है इसी बिल्डिंग के साथ शुरू होता है, ठीक है। सो आप वो देख रहे हैं, बसेस जारी है, सो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ बात करने को बचा ही नहीं। और जैसा कि मैं बता रही थी कि इस बिल्डिंग के जस्ट ऑपोजिट साइड में आपका ये भारत भवन है। सो ये है आपका भारत भवन। सो बिल्डिंग की क्वालिटी मैं एक बार और आपको दिखा दूँ कि देखिए, ये मे भी 12 साल का हो चुका है, लेकिन ये 12 साल का कहीं से नहीं लग रहा है। मतलब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में भी इतना अच्छा क्वालिटी नहीं यूज़ किया होता है, तो ये 12 साल का मे भी हो चुका है, बट मुझे नहीं लगता है। नीचे में आपको ये पूरा पार्किंग एरिया मिलेगा। सो चूँकि ये रीसेल प्रॉपर्टी है, सो आपको पार्किंग के लिए अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके फ्लैट के प्राइस के साथ ही इंक्लूडेड है। सो बेसिकली ये आपका बिल्डिंग है और इसी के सामने में आपको ये भारत भवन है। ओके, सो बेसिकली ये लोकेशन है, देख लीजिए आप, और ये आपका सामने में साउथ सिटी है। आप देख रहे हैं ये साउथ सिटी मॉल आपके सामने में ही है। सो ये साउथ सिटी मॉल है और ये आपका चौराहा है, और जैसा कि बताया कि एकदम फ्रंट में जो आपको फर्स्ट फ्लोर में जो
यू नो फ्लैट दिख रहा है वही रीसेल के लिए है। सो एकदम फ्रंट फेसिंग है, सो आपको यहीं से आपको ये रोड दिख जाएगा, ठीक है, ये चौराहा दिख जाएगा। सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सामने में टैक्सीज खड़ी है। आप आगे अगर दिख रहा है कि नहीं, पता नहीं मेरा कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, आप देखिए वहाँ पे एक बस स्टैंड है जहाँ पे रेड कलर का बस खड़ा हुआ है। सो बस स्टैंड भी पास है, आप देख ही रहे हैं। आसपास की छोटी मोटी दुकानें देख लीजिए, क्योंकि ये साउथ सिटी मॉल के आसपास का एरिया है, सो ऑब्वियसली आपको शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे। चाय पानी चाय पानी का ठेला है वहाँ पे, उस साइड में चाय पानी का ठेला है, स्नैक्स का छोटा मोटा सा दुकान है, फ्रूट का दुकान है, और नीचे में ही केमिस्ट है। सो आप अपने पति को या फिर भाई को अच्छे से पीट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बेसिकली ये जो आपको फर्स्ट फ्लोर में जो फ्लैट दिख रहा है वही रीसेल के लिए है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका लोकेशन। इसी के सामने भारत भवन है, मतलब आपका ये बिल्डिंग है और उसके जस्ट ऑपोजिट में ये भारत भवन है। सो ये देख लीजिए लोकेशन, ठीक है। और वो वहाँ पे उस बिल्डिंग का एंट्रेंस है, आप जो एक बड़ा सा गेट देख रहे हैं वो आपका एंट्रेंस है, और नीचे में सब ये पार्किंग एरिया है। ओके, सो इस बिल्डिंग में घुसने का, ये सिद्धार्थ गोल्फ व्यू में घुसने का दो एंट्रेंस है, एक जो मैंने आपको दिखाया पार्किंग के साइड से, और एक ये रोड के जस्ट ऑपोजिट में एक ये जो एंट्रेंस है ये है आपकी बिल्डिंग का एंट्रेंस। बेसिकली इस बिल्डिंग में दो एंट्रेंस है, सो आप लोग देख लीजिए, ये साउथ सिटी मॉल के जस्ट ऑपोजिट में जो रोड है उसी के ऑपोजिट में इसका ये एंट्रेंस है, तो आप दोनों में से कोई भी प्रिफर कर सकते हैं। सो ये बेसिकली सिद्धार्थ व्यू गोल्फ है। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और फ्लोर चेकआउट करते हैं। सो आप देख लीजिए, आप अगर जैसे उस गेट से, फ्रंट गेट से आते हैं तो ये आपका पार्किंग है, और ये रहा उसका पीछे वाला डोर, पीछे वाला गेट जो मैंने आपको दिखाया था पार्किंग के लिए, ठीक है, वाले पोर्शन से। ये तो बेसिकली आपका दो एंट्रेंस, एक इधर है और एक जस्ट आपका रोड के साइड में ही, रोड के फेस से लगा हुआ ही, रोड से लगा हुआ ही एक ये एंट्रेंस है। सो बेसिकली आपका ये दो एंट्रेंस है, ये पार्किंग के लिए है, आप चाहे तो यहाँ से भी अपना फोर व्हीलर ला सकते हैं। सो दोनों ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। ओके, सो फ्रेंड मैं चलिए आपको इस फ्लैट का टूर दे देती हूँ। सो बेसिकली आप जैसा देख रहे हैं कि स्टेयर्स में पूरा मार्बल का काम किया गया है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है एकदम सीढ़ी में। और एक चीज़ मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट दिखा दूँ कि यहाँ पे दो स्टेयर्स हैं, ठीक है, ये वाला जो है ये आप लोगों का कॉमन स्टेयर्स है, और ये जो दूसरा जो स्पेस आपको दिख रहा है स्टेयर्स का, ये आपका फायर एग्जिट है, ठीक है। जो सामने में आप जो फ्लैट देख रहे हैं वो है 3 BHK, जिसको मैं आज कवर करूँगी। सो यहाँ पे हर चीज़ दो दो दी हुई है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लिफ्ट दिया हुआ है और सामने में और एक लिफ्ट दिया है। सो ये फ्लैट है, फ्लैट के बाजू में एक लिफ्ट है और सामने में एक लिफ्ट है। सो बेसिकली दो लिफ्ट है, दो स्टेयर्स है, ठीक है। सो पहले के ज़माने की तरह लिफ्ट में डोर हुआ करते थे, तो बेसिकली यहाँ पे ये डोर दिया हुआ है। सो ये फ्लैट है। सो फ्लैट का जैसा मैंने फेसिंग आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में ये फ्लैट है। सो ये बेसिकली जो आपका एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है, ठीक है। सो घुसते ही साथ में जो आप पहले देखेंगे, सबसे पहले ये बड़ा सा आपको एक हॉल कम लिविंग डाइनिंग एरिया है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्नीचर्स पहले से ही रखे हुए हैं जैसा कि बताया गया है। अगर आपको ये फर्नीचर्स चाहिए तो आप कुछ बार्गेनिंग या एडजस्ट हो सकता है, अगर नहीं चाहिए तो वो अपना ले जाएंगे और कबाड़ी वाली को भेज देंगे। सो सबसे पहले ये जो हॉल है, ठीक है, ये हॉल के साइड में पहले मैं दिखा दूँ, ये हॉल से अटैच ही आपका ये किचन है, कवर्ड किचन है, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, देन ये आपका सेकेंड बेडरूम है, और कॉर्नर में एक और आपका थर्ड बेडरूम है, ठीक है। सो बेसिकली ये 3 BHK है। सो मैं आपको इस हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग का स्पेस बता दूं। सो बेसिकली ये जो हॉल कम लिविंग है इसका साइज़ जो है 16x20 है। सो ये एक्चुअली आपका स्क्वायर में भी नहीं है, रेक्टेंगल में भी नहीं है, ये थोड़ा सा अनइवन सा सरफेस दिया है, ना मैं इसको पेंटागन बोल सकती हूँ ना हेक्सागन बोल सकती हूँ। सो इसका जो पैटर्न है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हॉल से ही
अटैच आपको ये एक किचन दिया हुआ है, ठीक है। सो अभी मैंने जस्ट इस गेट से एंटर किया है, तो ये इस फ्लैट का एंट्रेंस है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ यू नो बहुत पुराने पुराने घड़ी वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंदा की फ़ोटो है, आपको MCB पॉइंट दिया गया है, ऊपर में थोड़ा सा एक लॉफ्ट का एरिया दिया हुआ है एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखने के लिए आपका फर्स्ट बेडरूम के ऊपर ही, ठीक है। फिर सबसे पहले हम चलते हैं ये किचन, ठीक है। सो किचन का मैं साइज़ आपको बता दूँ, 8x8 का ये पूरा किचन है, ठीक है। सो ये 8x8 का ये पूरा किचन दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे एक सिंक का पॉइंट दिया हुआ है, आरओ पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। एक चिमनी दिया हुआ, एक एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है, ठीक है। और पॉइंट्स काफ़ी सारे दिए हुए, पॉइंट का इशू नहीं है। और यहाँ पे ये आपका एक थोड़ा सा पुराने टाइप का मॉड्यूलर टाइप का यू नो स्पेस दिया गया है, जहाँ पे आप अपने मसाले वगैरह कुछ हो, स्पाइसेस वगैरह हो तो रख सकते हैं। और यहाँ पे ये आरओ का पॉइंट है। सो बेसिकली ये जो किचन है इसका साइज़ 8x8 का है, ठीक है। और आप जैसा देख रहे हैं फ्लैट पे पूरे में मार्बल का काम किया हुआ है। सो अगर ये आपको थोड़ा पुराना लग भी रहा है, तो अगर आप जैसे इसको एक बार पॉलिशिंग करा देंगे तो ये पूरा नया हो जाएगा, ठीक है। सो पहले के, अभी तो सबके पास मोबाइल है, लेकिन पहले इंटरकॉम हुआ करता था, लैंडलाइन हुआ करता था। सो जिनका ये फ्लैट था उनके पास इंटरकॉम भी था, ठीक है। सो उससे अब हॉल से ही अटैच सबसे पहले मैं आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो कॉमन बाथरूम का जो साइज़ है वो 4x5.5 है, ठीक है। सो बेसिकली ये 4x5.5 का एक ये बाथरूम है, ठीक है। कॉमन बाथरूम, आपको एक एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है, विंडो दी हुई है, गीज़र के लिए एक छोटा सा क्यूट सा गीज़र लगा हुआ है, ठीक है। और आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक बेसिन दिया हुआ है, और ये आपका एक मिरर दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर लाइट का पॉइंट दिया हुआ है, स्विचेस अंदर ही है। यूजुअली क्या होता है आजकल फ्लैट्स में है ना, स्विचेस वगैरह बाहर दिया जाता है, बट यहाँ पे आपको अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे शावर पॉइंट दिया हुआ है आपको, यू नो टैप का पॉइंट दिया हुआ है, कपड़े टांगने के लिए पीछे एक सामने में टॉयलेट सीट के सामने में एक जगह है। सो बेसिकली ये जो बाथरूम है ये 4x5.5 का एक बाथरूम है। उसके बाद ही बाथरूम से निकलते ही हम सबसे पहले जो घुसेंगे वो है ये फर्स्ट बेडरूम, ठीक है। सो ये जो बेडरूम है इसका जो फेसिंग है वो ईस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड का फेसिंग का ये बेडरूम है, ठीक है। सो बेसिकली इस रूम का जो साइज़ है वो आपका 8x12 है, यानी कि 8 इसकी चौड़ाई है, ठीक है, और लंबाई इसकी 12 है। दो आपको विंडोज़ दी गई है, ठीक है। सो ये एक विंडो है और ये एक विंडो दिया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली फ़ैन वगैरह सब लगे हुए हैं। अगर आप फ्लैट लेते हैं तो आपको ये सब अटैच ही मिलेगा, जो मूवेबल सामान है वो जो ओनर है वो लेके चले जाएंगे, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे सारा कुछ अगर आप चाहते हो कि नहीं लेना है तो आप उन्हें वापस कर सकते हैं। सो ये बेसिकली जो फर्स्ट बेडरूम है वो 8x12 का है। फिर वापस से हम हॉल आते हैं, और फर्स्ट बेडरूम के पास में ही ये जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये आपका एक अटैच कॉमन बाथरूम है, ठीक है। उसी से फिर आप वापस अपने हॉल में आ जाते हैं, ये आपका मेन डोर है, ठीक है। सो फिर आते ही साथ में आप थोड़ा सा आगे जाएंगे हॉल से, फिर ये आपको एक सेकेंड बेडरूम दिया हुआ है, ठीक है। ये सेकेंड बेडरूम है। सो ये सेकेंड बेडरूम है, इसका साइज़ 10x11.5 है। सो सेकेंड बेडरूम है ये 10x11.5 का ये सेकेंड बेडरूम है। सो यहाँ पे एक ह्यूज सी विंडो दी है। सो विंडो का जो फेस है वो बेसिकली आपका ईस्ट साइड में ये इसकी फेसिंग है, ठीक है। सो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एक खूबसूरत सा वार्डरोब दिया हुआ है, यूनिक सा, पुराने ज़माने के मॉडल जैसा। सो यूनिक सा एक वार्डरोब है, ठीक है। साइड टेबल दिया गया है, और ये एक बेड दिया हुआ है क्वीन साइज़ का, ठीक है। यहाँ पे स्टडी टेबल वगैरह है, स्विचेस वगैरह है। सो बेसिकली ये सेकेंड बेडरूम है। सो बेसिकली ये सेकेंड बेडरूम है, और इसका साइज़ 10x11.5 है। सो अब जैसे ही बेडरूम से निकलेंगे, आपके डेड एंड पे इस फ्लैट का एक ये थर्ड बेडरूम है, ठीक है।
ये थर्ड बेडरूम है। सो थर्ड बेडरूम में सबसे पहले मैं आपको साइज़ बता दूँ इसका, ठीक है। ये भी 10.5x11.5 है, 10.5x11.5 का ये एक थर्ड मास्टर बेडरूम है। इससे अटैच आपको एक बालकनी दी गई है, बाजू में ही आपको एक अटैच बाथरूम भी दिया गया है, ठीक है। सो ये आप देख लीजिए, स्विचेस बाथरूम का बाहरी है, बेडरूम से अटैच है इसलिए स्विचेस बाहर दिए गए हैं। एक ये बाथरूम है और ये आपका बालकनी है। सो बाथरूम का जो साइज़ है बेसिकली वो 5x5.5 है, ये बाथरूम का जो साइज़ है 5x5.5 है। कॉर्नर में आपको शावर पॉइंट और ये आपका टैप पॉइंट दिया हुआ है, एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है, सामने में एक मिरर दिया हुआ है जो कि टूटा हुआ है, एक आपको बेसिन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको कपड़े टांगने के लिए स्पेस दिया हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा यहाँ पे भी गीजर लगा हुआ है। सो और यहाँ पे आपको यू नो राइट साइड में आपको वेस्टर्न टॉयलेट दिया हुआ है जिसमें एक टैप दिया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो बाथरूम है इसका साइज़ जो है 5x5.5 का ये बाथरूम है। और बाथरूम के जस्ट बाजू में ही आपको ये एक बालकनी दी गई है, ठीक है। सो बालकनी का जो बेसिकली साइज़ है वो 3x5.5 का ये बालकनी है, ठीक है। सो जैसा मैं बता रही थी कि इस फ्लैट से आपको यू नो रोड दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं सो ये रोड है, ठीक है। सो आपको यू नो आपके फ्लैट के बालकनी से ही आपको ये रोड दिख जाएगा और वो जो आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं वो साउथ सिटी मॉल है, ठीक है। सो आपके यहीं से आपके बालकनी से आपको यहाँ पे ये चौराहा दिख जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली नॉर्थ साइड है जहाँ पे ये कमरा है, ठीक है। सो ये पूरा रास्ते का आपका चौराहा है, यहाँ से आपको पूरा यू नो मार्केट और रोड वगैरह का एक्सेस है। सो बेसिकली इस बालकनी का जो साइज़ है वो 3x5 का ये एक बालकनी दिया हुआ है जो मास्टर बेडरूम से अटैच है। सो ये आपका एक मास्टर बेडरूम है, ठीक है। ओके, सो जैसे ही आप मास्टर बेडरूम से निकलते हैं, मास्टर बेडरूम से निकल के ही आपका ये सेकेंड बेडरूम है, ठीक है। सेकेंड बेडरूम से निकल के ही आपको ये हॉल कम लिविंग कम किचन दिख जाएगा। सो किचन एकदम जस्ट यू नो ऑपोजिट में है। सो यहाँ पे जैसे कि 6-seater एक रखा हुआ है, सो 6-seater ये आपको डाइनिंग टेबल आप रख सकते हैं किचन के जस्ट ऑपोजिट में, ठीक है। टीवी वगैरह का पॉइंट आप वहाँ बना सकते हैं। यहाँ पे एक यू नो 5-seater सोफ़ा रखा गया है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से अपने कमरे को काइंड ऑफ डेकोर कर सकते हैं या आपका जैसा इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट बेडरूम जिसके बाजू में एक आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो बेसिकली ये आपका फ्लैट है। सो चलिए अब हम अभिजीत भैया को बुला लेते हैं और प्राइसिंग वगैरह उन्हीं से जान लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 3BHK का फ्लैट टूर दे दिया है। ओके सो अभिजीत भैया, मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि इस फ्लैट का प्राइस कितना है। प्राइस आएगा आपका मैंने कवर किए तो आप लोग ने देखा ही होगा कि बहुत सारे यू नो रिमोट लोकेशन में ही यू नो 3.5-4.5 के आसपास का यू नो पर स्क्वायर फीट प्राइस रहता है। सो आई डू बिलीव कि होगा। अच्छा सो एक चीज़, सो बेसिकली अगर आप लोग मेरे चैनल देख कर आते हैं तो कुछ बात नहीं जरूर हो। अच्छा एक और चीज़ मुझे बता दीजिए, अगर जैसे किसी को लेना रहता है तो कब तक पोजीशन मिल जाएगा? इमीडिएट, यहाँ पे तो सेलर रहते नहीं, सेलर बॉम्बे में रहते। उसका बेटे यहाँ पे 3 साल पढ़ाई के लिए रहा, उसके बाद फ्लैट ऐसा ही। अच्छा सो बेसिकली आपको तुरंत यू नो रजिस्ट्री के बाद ही पोजीशन मिल जाएगा। और अगर किसी को बैंक लोन वगैरह
वगैरह लेना कोई प्रॉब्लम नहीं, एक कोई भी बैंक नेशनल प्राइवेट जो भी बैंक हो आप लोन ले सकते हो, ये आपका एकदम लीगल ऑथेंटिक प्रॉपर्टी है। हाँ ऑब्वियसली यू नो इतने प्राइम लोकेशन में है तो ऑथेंटिक ही होगा और सारे बैंक अप्रूव यू नो किए होंगे, 12 साल का बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली कोई भी बैंक अब तो अप्रूव कर ही दिया होगा, कितना भी प्रॉब्लम हो यू नो सब लोग रह रहे हैं आजू बाजू ऐसा कि आपने देखा। सो दिस इज द ओनली फ्लैट जो एक सेलर ने 3 साल अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लिया था, अभी उसको बेचना है। सो ये है फ्लैट, मैंने आपको कंडीशन दिखा दी कि यू नो पूरी बिल्डिंग में कोई डैमेज नहीं है, पूरे यू नो फ्लैट में कोई डैमेज या कोई क्रैक मुझे कहीं भी नहीं दिखा है बस। और जैसे मैंने आपको बताया है कि यू नो जो फ्लोरिंग है वो आपकी मार्बल की गई है। सो अगर आपको लगता है गंदा हो गया तो ऑब्वियसली अगर आप फ्लैट लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, या एक बार अगर आप पॉलिश कर देते हो तो यू नो मार्बल है तो पूरा न्यू हो जाएगा, ठीक है एकदम ग्रेनाइट फिनिशिंग देगा। किचन वगैरह में भी आप अपना मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं, थोड़ी सी डेंटिंग की जरूरत नहीं है लेकिन पेंटिंग की जरूरत पड़ेगी। सो आप लोग यू नो अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके अगर आप थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह करा लेते, पॉलिश वगैरह करा लेते तो आई बेट कि ये बहुत अच्छा लुक देगा, बस आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। सो एक और चीज़ मैं जो बताना भूल गई थी अपने वीडियो में, जो मुझे दिख रहा है कि हॉल में भी एक लॉफ्ट का एरिया दिया है तो आप यहाँ पे भी अपना सामान रख सकते हैं। सो काफ़ी सारा लॉफ्ट है यहाँ पे और हॉल के सामने में ही एक लॉफ्ट का एरिया, तो आप वहाँ पे भी सामान रख सकते हैं। सो अगर आप इसका घर का यू नो किसी अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर से अगर यू नो कॉन्टैक्ट करके अगर यू नो इंटीरियर करवाते तो डेफिनेटली ये फ्लैट बहुत अच्छा यू नो लुक देगा। अगर आपके पास सजेशन की कमी है तो कॉन्टैक्ट मी, मैं ज़रूर आपको सजेशन दूंगी। मैंने अपने घर का इंटीरियर किया सो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। जोक्स अपार्ट, ओके सो बेसिकली मैं अभिजीत भैया का नाम नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से पुल आउट करके अभिजीत भैया से बात कर लीजिएगा। सो वो आपको डायरेक्टली ओनर से या जैसे भी हो कॉन्टैक्ट करा देंगे और एक यू नो डील करवा देंगे कैसे क्या लेना है अगर आप लोग को फ्लैट अच्छा लगता है। एक और चीज़ फ्रेंड्स मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग के पास कोई फ्लैट है यू नो अगर नया फ्लैट है प्रोजेक्ट है आप लोग को रीसेल करना है या फिर यू नो टू मूव इन है, सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस दे दूँगी, आप वहाँ से पुल आउट करके मुझे मेल कर सकते हैं। आप अपने अगर रीसेल है तो अपने यू नो फ्लैट के कुछ पिक्चर्स शेयर कीजिए मुझे वहाँ पे, अगर मुझे अच्छा लगा सो डेफिनेटली मैं आपके प्रोजेक्ट को कवर करूँगी। सो अभी टाइम है अभिजीत भैया को बाय बोलने का, अगर अभिजीत भैया के पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो डेफिनेटली वो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे और मैं भी आप लोगों को उनके और डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कवर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और मेरा चैनल अच्छा लगता है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।